हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे ई स्कूटर के बारे में जो कि मेड इन इंडिया है, बट जो टेक्नोलॉजी है वो जर्मन के यूज़ कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मोटोवोल्ट M7। सो M7 जो है एक म्यूज़ व्हीकल है जिसका मल्टी यूटिलिटी ई स्कूटर नाम से जाना जाता है, एंड इट हैज़ गॉट अ मल्टी यूटिलिटी एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग जो कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल में अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मेरे साथ है अभी येलो कलर, उसके पीछे है ब्लू कलर। इसमें आपको अलग अलग कलर मिलते हैं, जैसे वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रे कलर में भी ये आता है। सो यस, अभी इस व्हीकल को हम आपको रिव्यू करके दिखाएंगे। इसमें मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, इसके क्या फीचर्स है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड देन अभी इस व्हीकल को हम जो है बाहर रोड में चलाएंगे। इसके अलग अलग मोड्स हैं, उसको टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे ये इन रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी में कितना खड़ा उतर पाता है एज कम्पेयर टू इस स्पेसिफिकेशंस। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द रिव्यू। सो दिस इज़ दी फ्रंट लुक ऑफ द मोटोवोल्ट M7। यहाँ पे आपको मोटोवोल्ट का लोगो देखने को मिलता है। यू हैव गेट अ फ्लेक्सीबल LED इंडिकेटर। यहाँ पे आपको पैनल देखने को मिलते हैं, M7 मोटोवोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको डुअल आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, हाई बीम लो बीम दोनों के साथ। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर ब्रैकेट देखने को मिलता है। दिस इज़ द सस्पेंशन। इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है रिफ्लेक्टर के साथ। इसमें आपको मड फ्लैप भी मिलता है। जो टायर है वो है MRF के टायर, इन्होंने दिए हैं जैपर वाले मॉडल। इसमें आपको 90-90 12 सेक्शन के आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। सो बेसिकली इट्स अ रिम बट इट्स अ ट्यूबलेस, मतलब इसमें आपको पंक्चर वगैरह होने का कोई भी डर नहीं है। एंड इस तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको जो है 150 mm का आपको यहाँ पे ड्रम देखने को मिलता है, जिसमें कॉम्बी ब्रेकिंग दिया गया है। सो कॉम्बी ब्रेकिंग क्या होता है, जब आप लेफ्ट वाले मतलब आप रियर ब्रेक अगर आप दबाते हो तो सामने का भी आपको ब्रेक मिलता है। जैसे अगर मैं रियर ब्रेक अगर मैं दबा रहा हूँ तो सामने में भी इसमें ब्रेकिंग हो रहा है। तो इस तरीके से कॉम्बी ब्रेकिंग काम करता है, मतलब आप फ्रंट ब्रेक भी अगर आप प्रेस करते हो तो आपको सामने का ब्रेक लग रहा है, और अगर आप पीछे का ब्रेक भी अगर आप प्रेस करें तो आपका सामने का ब्रेक और पीछे का ब्रेक दोनों एक साथ लगता है। तो इससे क्या होता है, कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग होता है, जिससे आपका व्हीकल का स्टॉपिंग कैपेबिलिटी बहुत जल्दी हो जाता है। बात करते हैं इसका स्पीडोमीटर का, तो स्पीडोमीटर में बहुत ही नीट एंड क्लीन दिया गया है। अगर आपका स्टैंड लगा है तो यहाँ पे स्टैंड का आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, इंडिकेटर राइट और लेफ्ट दोनों का आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप हाई बीम करते हो तो हाई बीम का आपको यहाँ नोटिफिकेशन दिखेगा। यहाँ पे चार्जिंग है तो चार्जिंग, बैटरी लो है या ज़्यादा है उसका आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको बैटरी का इंडिकेशन दिखेगा। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। सो ये क्रूज़ कंट्रोल मैं आपको वापस में आपको चला के दिखाऊंगा। रेस्ट यहाँ पे आपको दोनों बैटरी दिखेगा, तो दोनों बैटरी पैरेलल चार्जिंग में चलता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बैटरी खत्म होगा तो और एक बैटरी चलेगा, दोनों पैरेलली चार्ज होते हैं और डिस्चार्ज भी दोनों पैरेलल होते हैं। स्पीडोमीटर आपको दिखेगा यहाँ पे, ऑडोमीटर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना वोल्ट में चल रहा है वो आपको दिखेगा, एंड यहाँ पे आपको रेंज दिखेगा। सो यस, ये था आपका स्पीडोमीटर का आउटपुट। रेस्ट यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, इससे फास्ट चार्जिंग होता है। एंड यहाँ पे आपको छोटा सा स्पेस दिया गया है, दिस इज़ द की ऑन ऑफ। अगर आप इसको दबा के राइट को करोगे तो आपका ये वाला पैनल खुल जाएगा, जिसमें आपको दो अलग अलग सेपरेट बैटरीज देखने को मिलते हैं। तो ये बैटरी क्या है, दो अलग अलग है। इसमें आप इस एक बैटरी को आप निकाल के चार्ज भी कर सकते हो, जैसे आपका मर्जी हुआ। अपने इसको आप पहले ये MCB ऑफ कर दोगे, अगर मैं ऑफ करूँगा तो ये पूरा बैटरी शट डाउन हो जाएगा। सो बेसिकली आप इसको निकाल के आप एक बैटरी को चार्ज कर सकते हो और एक बैटरी से आप इसको चला सकते हो। अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हो तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो पोर्ट दिया गया है, इससे आप जब चार्ज करोगे तो दोनों बैटरी एक साथ चार्जिंग होगा। ऐसा नहीं कि एक पहले होगा एक बाद में होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको निकाल के चार्ज करूँगा, तो सिंपली आप इस पोर्ट को खोलोगे एंड देन आप इसको घर में ले जाके आप सेपरेट से भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से चार्ज करोगे तो दोनों बैटरी एक साथ चार्ज होगा, या फिर अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं ये बैटरी अपने घर पर लेके जाऊँगा और मैं वहाँ से चार्ज करूँगा, तो आप ये वाले टर्मिनल को खोल लोगे और यहाँ पे आप जो चार्जिंग पोर्ट है वो लगा दोगे तो आपका एक बैटरी चार्ज होगा। सो साइमल्टेनियसली यू कैन चार्ज और यू कैन चार्ज एनी वन बैटरी एट अ टाइम। ये IP67 रेटिंग है, मतलब ये डस्ट वाटर ये प्रूफ है। ये वाटर वाला मैं इनके फैक्ट्री में गया था तो यहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाया कि पानी के अंदर इसका मोटर और बैटरी दोनों साथ में चल रहे हैं एंड उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं है। सो दिस इज़ अ IP67 रेटिंग प्रूफ, राइट। यहाँ पे आपको MCB दिया गया फॉर अ बेटर सेफ्टी। आप इसको ऑफ कर दोगे, सपोज मान लो आप कहीं पर जा रहे हो बहुत दिनों के लिए, तो आप इसको ऑफ करके जा सकते हो एंड ये सिंपली ये बंद हो जाता है। अभी अगर मैं इसको कहूँ, अगर मैं इसको लेफ्ट में घुमाता हूँ तो ये छोटा सा
बॉक्स खुलेगा जिसमें आप अपना कुछ भी कपड़े मतलब पोंछने के लिए या फिर कुछ भी छोटा सा आपको 5 लीटर का आपको यहाँ पे मिलेगा, वो आप यहाँ पे रख सकते हो फॉर यू नो फॉर हैंडी थिंग। सो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल साइड स्टैंड। तो साइड स्टैंड जो है ये ऑटो कट ऑफ के साथ आता है। अगर ये साइड स्टैंड होगा तो ये व्हीकल मोड्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको आगे नहीं कर सकते अनटिलनेस आप इसको ऊपर करते हो। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको डबल स्टैंड दिया गया है, आप इसको डबल स्टैंड में कर सकते हो। पिलियन के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट दिया गया है। दिस इज़ दी नो साड़ी गार्ड और दिस इज़ दी सस्पेंशन। तो यहाँ पे आपको दो सस्पेंशन मिलते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, और ये है इसका मोटर। सो मोटर बहुत ही कॉम्पैक्ट है, IP67 रेटिंग मोटर है। ये रहा इसका फुटेज जो मैंने इनके फैक्ट्री में देखा था कि ये मोटर को स्पिन कर रहे हैं बैटरी के साथ। तो इसका बैटरी और मोटर दोनों जो है वाटरप्रूफ है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मड फ्लैप देखने को मिलते हैं। दिस इज़ द इंडिकेटर, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है तो इससे क्या ये टूटने का डर नहीं रहता है। दिस इज़ द टेल लैम्प एंड यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर, मोटर बोर्ड का यहाँ पे बैजिंग है। यू ऑल्सो गेट अ गुड ग्रैब रेल, ये मल्टी यूटिलिटी पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको अलग अलग इसका जो एक्सेसरीज आते हैं उससे आप इसके ऊपर प्लेट ला के इसके आप बॉक्स भी बना सकते हो। मतलब दिस इज़ अ मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। तो ये आपको अलग अलग पैरामीटर्स में आपको जो फोटोज में भी दिख रहे होंगे आप उसको इस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक सस्पेंशन इस तरफ भी है। ये जो टायर है ये है 1990 12 सेक्शन के, इसके आपको रिम मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर होने के कारण आपका पंक्चर होने का टेंशन भी नहीं है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, वो भी 150 सेक्शन के आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ आता है। ये हो गया आपका स्विंग आर्म एंड ये हो गया आपका डबल स्टैंड एंड दिस इज दी फुटरेस्ट। एंड ये जो पैनल है ये बहुत ही क्लीन लग रहा है मुझे, मतलब एक फ्रेम गया इस तरफ, सस्पेंशन एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे मोटो वोल्ट M7 लिखा हुआ है, इट्स अ म्यूज व्हीकल। वन सेकेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, MUSE मल्टी यूटिलिटी ई स्कूटर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्कूटर। अब मैं इसके आपको कुछ खास फीचर्स बताता हूँ। यहाँ पे आपको हैजर्ड इंडिकेटर भी मिलता है, इनके सब ब्रेक डाउन आप हैजर्ड इंडिकेटर जला के आप इस व्हीकल को कहीं पे पार्क करके रख सकते हो। सो दिस ई स्कूटर कम्स विद GPS ट्रैकिंग एंड आप इस अपने ई स्कूटर को ट्रैक भी कर सकते हो अपने मोटो वोल्ट ऐप के साथ। आप अगर कनेक्ट करते हो तो आपका ये ई स्कूटर कहाँ पे है आप उसको ट्रैक कर सकते हो। इन केस ऑफ थेफ, मतलब अगर ये ई स्कूटर चोरी हो जाता है तो आप इसके मोटर को, जो इसका मोटर है उसको आप लॉक भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये स्कूटर और आगे नहीं जाएगा, मतलब जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करते हो। सो अभी इस ई स्कूटर को लेके चलते हैं ऑन रोड, इसको चलाते हैं, टेस्ट करते हैं इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो इसके राइड क्वालिटी के साथ कितना मैच करता है। वैसे दिखने में तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स अ मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, तो उस हिसाब से इसके जो लुक्स है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे बिकॉज आप इसमें प्लेट वगैरह लगा के आप इसको एज ए यूटिलिटी व्हीकल भी यूज़ कर सकते हो। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टेक दिस ई स्कूटर ऑन रोड, चलाते इसको एंड बताते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो गेटिंग बैक ऑन द रोड, दिस इज द मोटो वोल्ट M7 जो कि एक म्यूज व्हीकल है एंड अभी हमने इसको इको मोड में डाल दिया है, पार्किंग हमने ऑफ कर दिया। अगर मैं चलते हुए इसका अगर मैं मोड चेंज करूं तो ये चलते हुए भी ये मोड चेंज कर देता है। सो बेसिकली अभी पावर मोड में आ गया है, अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में दबाऊं तो ये स्पोर्ट्स मोड में एकदम मस्त आराम से, बहुत ही साइलेंट इंजन है। मुझे इसका एक चीज़ बहुत खास लगा वो है कि काफ़ी साइलेंट इंजन है। साइलेंट इंजन के कारण आपको वो जो मोटर का जो बजी एक साउंड आता है वो आपको नहीं मिल रहा है। ब्रेकिंग्स इसके काफ़ी अच्छे लगे मुझे बिकॉज ब्रेक्स आर वेरी सॉफ्ट, लाइक ये देखो इट्स वेरी प्रोग्रेसिव ऑल्सो इट्स वेरी सॉफ्ट। सो ब्रेक्स काफ़ी सॉफ्ट होने के कारण आप जब उसको ब्रेक को एंगेज करते हो ड्रम होने के बावजूद भी ये आपको बहुत अच्छा एक बाइट फील करवाता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ब्रेकिंग करते हुए, ठीक है। उसके अलावा ये जो स्पीडोमीटर का ये जो कंसोल है, ये कंसोल बहुत ही रीडेबल है, विजिबल है, आप चाहे रात को चलाओ या दिन में चलाओ एवरी डिजिट इज़ लाइक विजिबल। इसमें आपको कितना का स्पीड में आप अभी जैसे स्पोर्ट्स मोड में हो तो ये मैक्स 60 km/h तक ये जा सकता है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखता रहता है कि बैटरी में कितना बैटरी बचा हुआ है बिकॉज ये पैरेलल चार्जिंग होता है और पैरेलल ये घटता भी है, ऐसा नहीं कि एक बैटरी घट जाएगा एक बैटरी रह जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों इक्वली ये चार्ज को डिस्चार्ज करेगा या फिर ये चार्ज होगा। इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, जैसे मैं 52 में हूँ, मैंने अगर ये वाला बटन दबा दिया तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कलर का लाइट है ये एंगेज हो चुका है एंड अभी ये 51 km/h में ये जो है लॉक हो चुका। सो अगर मैं कुछ ना भी करूं स्टिल ये 51-52 पे ये क्रूज़ करते रहेगा। तो ये इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक यू नो मोटो वोल्ट के इस M7 में अगर मान लीजिए सीधा रास्ता है और आपको चलना है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि यू नो दो हाथ छोड़ के आप चला रहे हो, बट इन केस ऑफ आपको क्रूज़ अगर नहीं करना है आपको बस खाली हाथ को पाम को आपको रिलैक्स करना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इसको क्रूज़ कर सकते हो। अभी आप कहोगे क्रूज़ को कैसे करें, या तो हल्का सा ब्रेक दबा दो
तो ये ग्रीन लाइट डिसंगेज हो गया, उसके बाद आप इसको हाथ से क्रूज कर सकते हो। अभी आपने फिर से आपको रोड खाली मिल गया, आपने छोड़ दिया तो ये 50 पे लॉक हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर आपको और पावर चाहिए तो आप उसमें एक्सलेटर दे दो तो ये और पावरफुल बन जाएगा, तो ये 60 KMPH या टॉप चला जाएगा। उसके अलावा इसमें आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं, हाई बीम लो बीम आपको मिलते हैं। दिस इज़ दी हॉन्क यू गेट एंड आई मीन लाइक इट्स ए मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। तो ये एक ऐसे जॉनर ऑफ पीपल के लिए बनाया गया है जो रोज़ ज़िंदगी में ट्रैवल करते हैं, रोज़ काम पे जाते हैं, चाहे वो फार्मेसी के हो, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, या चाहे वो कोई गुड्स एंड पार्सल डिलीवर करता हो। मतलब ये आप एज अ पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें अलेक्सा, आप इसमें पार्सल का जो बॉक्स है जो कैरियर टाइप का होता है वो आप लगा के इसमें चला सकते हो। इसका फुट रेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज इट्स अ वेरी कम्फर्टेबल सीट, काफ़ी चौड़ा है तो काफ़ी ब्रॉड सीट होने के कारण आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, आपके जो ग्लूट है उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस टू कीप योर लेग, मतलब लेग रूम आपको अच्छा मिलता है। ऑफकोर्स सीट के नीचे आपको बैटरी पार्सल मिलता है तो बैटरी के वहाँ पे आप कुछ रख नहीं सकते, बट पीछे पिलियन सीट के नीचे आपको स्पेस मिलता है जहाँ पे आप सामान वगैरह कुछ हद तक आप रख सकते हो। सो इसमें आपको जो है 3 kW का बैटरी मिलता है एंड 1.5 kW का आपको हब मोटर मिलता है जो कि काफ़ी प्रोग्रेसिव है। अगर मैं ओवरटेक करने का कोशिश करूँ देन या आई मीन लाइक आई गेट अ कॉन्फिडेंस इन स्पोर्ट्स मोड यू कैन ओवरटेक अ व्हीकल, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये बहुत ही निम्बल है, लाइक यू कैन मैन्यूवर इन दिस वे। सो इसका हैंडलिंग काफ़ी निम्बल है, चैसी काफ़ी रिजिड है, सस्पेंशन सॉफ्ट है, लाइक जो भी ये गड्ढे वगैरह जा रहे हैं इसको ये बहुत अच्छे तरीके से ये अब्जॉर्व कर रहा है एंड बैलेंस भी कर रहा है। तो चैसी का जो रिजिडनेस है वो भी अच्छा है, एंड इसमें 180 kg मैक्स आप लोड ले सकते हो, मतलब इसका जो चैसी है वो इतना मजबूत है कि इसमें 180 kg आप इसमें कैरी कर सकते हो। एंड अगर मैं मैन्यूवरिंग की बात करूँ तो आई कैन ईजिली फ्लिकर इट बिकॉज आपको 90 सेक्शन के आपको रेयर एंड फ्रंट आपको टायर्स मिलते हैं और ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं, जिससे क्या होगा रोड में चलते पंक्चर होने का भी डर आपको नहीं मिलता है। इसमें आपको मैं और एक फीचर बता दूं, जैसे इसका बैटरी में अगर कोई मेल फंक्शन होता है ठीक है, उस दौरान ये आपको एक बजर देगा, मतलब आपको एक साउंड आएगा बैटरी से, उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपके बैटरी में कोई मेल फंक्शन हुआ है। इसका परचेसिंग कहाँ से करना, तो इनका जो वेबसाइट है मोटो वॉल्ट वहाँ पर आप जाके इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। इसका जो डिलीवरी है वो या तो डीलर के थ्रू हो जाएगा या फिर वो आपके घर पे डोर पे आपका डोर स्टेप पे जो है डिलीवर हो जाएगा। इसका सर्विसिंग भी डोर स्टेप पे हो जाता है, लाइक आप अगर उनको अगर सर्विस के लिए बोलोगे तो वो आके आपके घर पे सर्विस कर देंगे। इनके पूरे कोलकाता में 35 डीलर्स है जिसमें से 2 शोरूम्स है और 2 वर्कशॉप है। तो जो फैक्ट्री है वो तारातला में है एंड वहीं पे मैं ऑफकोर्स ये वीडियो बना रहा था, एंड ये मुझे अच्छा सा एक फ्लाइवर मिला जिसमें मैंने सोचा कि चलो यार ये वीडियो बना देते हैं। सो ये जो M7 है जो कि मल्टी यूटिलिटी ई स्कूटर है, ये मुझे तो काफ़ी यार मतलब भाग गया बिकॉज इसका जो रेंज है किलोमीटर का वो भी अच्छा है, जैसे मैंने जितना किलोमीटर चला उतना का ही ये रेंज घटा है। सो रेंज जो है ये भी काफ़ी प्रिसाइज है, IP67 रेटिंग आपका इनका बैटरी और मोटर मिलता है, तो आई मीन लाइक आपको उतना टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहे वो पानी हो चाहे वो धूल हो मिट्टी हो आप इसको चलाओ एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट दी मोटर एज वेल एज दी बैटरी। इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो, सामने एक पॉकेट मिलता है आप उसमें अपना मोबाइल वगैरह कुछ रख सकते हो, एंड सीट इज़ कम्फर्टेबल, राइड क्वालिटी इज़ रियली गुड, ब्रेकिंग इज़ अमेजिंग, तो ब्रेकिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो प्राइस है वो है 1,22,500 rupees एक्स शोरूम, और ऑन रोड इज़ अराउंड 1,36,000। एंड आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, कमेंट डाउन कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स दोज आर लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ ई स्कूटर इन देयर लाइफ स्टाइल। विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, राइड एंड राइड सेफ, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे, अगले किसी रिव्यू पे।